अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहली बात मैं आप लोगों को पूछना चाहती हूँ कि मैं स्कार्फ में कैसी लग रही हूँ, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, है ना आसिफ। हाँ। अच्छी कमेंट करने वालों को मैं रिप्लाई दूंगी, जो बुरी कमेंट तो करेंगे ही, अगर मैं बोलूँ या ना बोलूँ मगर तो बोलेंगे तो सही। अब ये बोले स्कार्फ बांध रही है ना। अब मेरी मर्जी, मुझे स्कार्फ बांधना है तो मैं स्कार्फ बांधूंगी, जीन्स पहनना है तब जीन्स पहनूंगी, टी शर्ट पहनना है जब टी शर्ट पहनूंगी, साड़ी पहनना है तब साड़ी पहनूंगी, वो मेरी मर्जी है ना दीप। बराबर। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर, तो कहाँ पर जा रही हूँ, मैं सोच रही हूँ एक मिनी बंगलो लेने के लिए, है ना दीप। हाँ। तो मिनी बंगलो देखने के लिए मैं जा रही हूँ, है ना। अब वो कहाँ पर जा रही हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ पर जाने वाली हूँ, मगर जहाँ पर मैं जा रही हूँ एक एजेंट के थ्रू मैं जा रही हूँ। जैसे कि वो एजेंट से हमारी बातचीत हुई है तो मैंने उनको बोली कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, मुझे फ्लैट में तो मिल जाता था, फ्लैट तो मैं ले लेती थी आसानी से, मगर मेरा कुछ इरादा हुआ कि मैं मिनी बंगलो लूँ, जैसे कि छोटे बंगलो टाइप में आता है ना। हाँ। वैसे जैसे नीचे हॉल बन जाए, एक किचन बन जाए, नीचे एक बेडरूम बन जाए और ऊपर अच्छे से 3 बेडरूम बने, बाहर गाड़ी पार्किंग करने के लिए जगह रहे, छोटा सा एक मिनी सा गार्डन बने, कुछ ऐसा मेरा इरादा है। अल्लाह ताला मेरे ख्वाजा गरीब नवाज और अल्लाह ताला मेरे ये सपनों को पूरा करे, बस यही मेरी चाहत है। आमीन। है ना। तो चलिए अभी हम लोग, तो चले गए, अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लोकेशन पे। तो यहाँ पे अभी हम लोग एक सोसाइटी में आए हैं। इधर ऐसा ये पूरा बंगलो टाइप है, इधर आप लोग देख सकते हैं, इधर ऐसा। अच्छा ये सोसाइटी है अम्मी, पूरी सोसाइटी जैसा है पूरा। अस्सलाम वालेकुम भाई, सोसाइटी है ना ये पूरी ऐसा। अच्छा ये सबसे बड़ा था ये वाला। हेलो, घर पे हो? अच्छा ये पूरा एरिया अपना पीछे का, घर पे हो? इधर तक, ये यहाँ तक तुम्हारा घर है। अच्छा। बाजू में देखो रिनोवेटेड है आपका। हाँ। अरे घर पे क्या हाँ, इधर तक यहाँ तक आपका घर है, इसके ऊपर आप पिलर बना सकते हो, वेंटिलेशन की जगह भी छोड़ सकते हो, जैसे लोगों ने बाजू में छोड़ा। हाँ इतना ना, ऊपर 3 बेडरूम बन जाएगा हॉल, अल्हम्दुलिल्लाह आपका इतना बड़ा बन सकता है। देखिए वहां से यहाँ तक, यहाँ पे किचन टॉयलेट बाथरूम भी बन सकता है। इधर तक पूरा पीछे तक वो अपनी जगह है, ये पूरा दीवार है ना, दीवार वो दीवार तक है जगह, बोले कि आ चलो ना, आ जाओ चलो ना, चलो। हाँ इधर तक है दीवार है पूरा। हाँ देखो ये इन्होंने पूरा बना हुआ है, वेंटिलेशन के लिए जगह छोड़ा है, और ये रूम में चले। खिड़की विड़की के लिए जगह छोड़ के उतनी जगह छोड़ देने का, ये तुम घर से एरिया देख लो, तुमको मैं बना हुआ दिया हूँ, तुम्हारा अपना दिमाग चले, उसका टेंशन मत लो, मैं दिखाता हूँ। ठीक है ठीक है। 3 माला बना हुआ है, 40 से 9 से 12। हाँ टाइमिंग चेंज भी होता है, समर में पानी कम आता है, 1.5 घंटा और साइड में 1.5 घंटे। अच्छा खासा पानी आता है, लीगल प्रॉपर्टी, इसका टेंशन मत लेना, पेपर जाना है देखना है, दिखा भी देना, फिर पैसा देना, चाबी लेके जाओ, तीसरी गली का 46। हाँ चाबी लेके जाओ। आ जाओ ना यार, आ जाओ प्लीज, आ जाओ, चाबी लेके जाओ, तुम दूसरा घर देखा हूँ, तुम्हें चाबी देता हूँ।
क्या परमिशन पूरा है ये इन्वेस्टर का प्लान है जैसे उसमें पार्किंग वाला है ना वैसा बनाना पड़ता है फिर माड़ा वाले आगे सर्वे करते तुम वो उसी सीसी देते फिर तुम बना सकते तुम वो तुम स्टार्टिंग वाला दिखाया ना वो पूरा पेपर क्लियर है माड़ तुम घर बनाते हो माड़ा के सर्वे करते हमारे तुमने जो प्लान हमको सबमिट किया था वो सही है या नहीं वो हिसाब से बनाया गया ना वो तुमने प्लान के हिसाब से बनाया तुम उसे पेपर देता है ओ सी का सी सी का फिर छः महीने बाद एक साल बाद बनाओ तुम तीन माला ये जो है ना तीन माला इलीगल है पर अंडरस्टैंडिंग में चलता है पैसा वैसा खिला के जो तुमको बता रहा थैंक यू माड़ा सिर्फ इसका परमिशन दे दिए वो जो कार खड़ी है अंदर वैसा ऐसा बना सकते हैं बंगला टाइप है ये इसकी परमिशन देती है अच्छा बाकी तुमको कैसा बनाना है वो तुम्हारा पैसा खिला के देखो ये ग्रे वाला घर ना सही लगा था देखो जगह कम हो जाएगी इस पे एकदम लंबी लंबी खासी जगह हो जाएगी ये बना है ना ये सब हाँ इन्होंने पार्किंग नहीं कुछ लिया नहीं स्टार्टिंग सीधा हॉल ही कर दिया अच्छा एकदम बड़ा प्लॉट मिलेगा तुमको आज आगे भी दिखाता हूँ अच्छा ये उधर से लेके इधर तक पूरा एक ही जन का है यहाँ से लेके वहाँ एक प्लॉट यहाँ से लेके टोटल थ्री प्लॉट है अच्छा ये तीन घर है बंगले 60 मीटर अभी ये 60 मीटर हुआ अभी उस पिंक वाले के बाजू में 100 मीटर 110 मीटर गार्डन फेसिंग आउट गार्डन आ दिखाई देता इधर ही तो है ना सामने तो जैसे कि गाइस मैं आई हूँ यहाँ पर कहाँ पर आया शिवापुन मलाड मलाड में आई हूँ मैंने जैसे कि वीडियो देखकर आई थी जैसे कि आप लोग तो जानते रहेंगे वो शीट फू जायका है ना शीट फू जायका जो है उन लोग वीडियो बनाते हैं तो उन लोगों का वीडियो मैं देखकर आई थी कि उन लोगों ने इधर पे मतलब घर लिए थे तो वहाँ पे बता रहे थे कैसे बंगले की जगह है बंगले खरीद सकते हैं ऐसा करके तो वो देखकर मैं आई थी तो फिर मैंने उनसे कॉल पे मतलब बात करी कि मुझे भी ऐसा लेना है प्रॉपर्टी तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपने किसके थ्रू लिए तो उन्होंने मुझे एक जन एजेंट का नंबर दिए थे और फिर मैं वो एजेंट से बात की फिर मैंने एजेंट से बात करने के बाद में उन्होंने मुझे टाइम दिए कि ये दिन आई है तो मैं अभी आई हूँ यहाँ पे बंगलों की जगह तो है बंगले बने हुए भी है मगर यहाँ पर जो है ना चौड़ाई है लंबाई बहुत ही कम है चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है ना और एक सोसाइटी बताया हम उन्होंने मेरे को जो वो सोसाइटी में भी ना चौड़ाई है चौड़ाई भी कम है लंबाई भी कम है दोनों कम है ना ऐसे रूम हमारे इधर पर भी है और जो उसको हाउसिंग बोर्ड बोलते है उसकी जो है ना लंबाई भी अच्छी खासी रहती है और चौड़ाई भी अच्छी खासी रहती है मगर उधर पे जो है ना पैसा बहुत ज्यादा है उधर का बजट में बहुत ही ज्यादा है जैसे कि गली कॉर्नर लेंगे तो भी ज्यादा है या कॉर्नर लेंगे तो भी ज्यादा है अगर बीच का रूम तुम लेंगे तो थोड़ा कम है और यहाँ पर भी मैं आई हूँ तो यहाँ पर भी मिनी बंगला जो देख रही हूँ तो यहाँ पर सब बंगला है यहाँ पे लिखा है बंगला नंबर 40 बंगला नंबर 21 बंगला नंबर 20 यहाँ पे बंगलों की जगह है और सेम प्राइस यहाँ पर भी वैसा ही है मगर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे इधर है ना उसकी जगह ज्यादा है ना आसिफ देखो कैसा लगा हाँ वैसी लगा तो देखते हैं अभी यहाँ से देखकर अभी मैं निकलती हूँ अभी उनने एक घर और बोले हाँ देखते हैं हाँ और मगर इधर पे ना दुकान वगैरह काफी लंबा है मार्केट बिर्किट तो यहाँ पे कहीं पे भी नजर नहीं आ रही है और काफी बाजार लेने के लिए लगता बहुत बाहर जाना पड़ेगा और एकदम शांति जगह है सुनसान जगह है जैसे कि बंगलों की जगह रहती है वैसी जगह ये है अच्छा है ऐसा नहीं कि बुरा नहीं अच्छा ही है मगर देखते हैं अभी अल्लाह ताला नसीब में कहाँ रखते हैं ऐसे तो मैं बहुत फ्लैट में भी देख ली पिकरोली में भी बहुत फ्लैट देख रही थी तो मगर वहां पर भी मुझे कुछ नहीं जम रहा था कोई दे रहे कोई नहीं दे रहे ऐसा हो रहा जो पसंद आ रहा था वो मिल रहा नहीं था मियाँ भाई लोग को नहीं दे रहे थे हाँ तो वहाँ पर तो मैं ले ही लेती थी मियाँ भाई लोग को नहीं दे रहे करके देखते अल्लाह ताला का नसीब लेके जाते देखते बहुत तो ट्राई कर रही हूँ वो ढूंढ रही मर के तो जम रहा नहीं है
फ्रीज देखो फिर नया फ्रीज एकदम अंदर से सब और इंक्लूसिव है कि ऊपर जाने की सीढ़ी है सब ये क्या है? ये कॉमन वॉशरूम टॉयलेट है। अच्छा एकदम सिस्टमैटिक से कर बना ऊपर कितने बेडरूम है तीन बेडरूम है पूरा घर मास्टर बेडरूम के साथ है ये वेस्टर्न टॉयलेट है वो बाथरूम वाटर शावर है पूरा थ्री फेस से आएगा खिड़की खोल के देखो आदिल में देखो 10-15 मिनट में कॉल करूँ भाई मेरे अरे मैं क्लाइंट के साथ ही हूँ मैं 142 में ही हूँ मिलने तो मिलने 142 में ही चल ठीक है देखो देखो बुलाता हूँ ये बेड है चार बेड एसी वीसी सबके साथ सब वर्किंग है एसी सब सब वर्किंग जो वर्किंग रहेगा तो वो बना के देंगे वॉशरूम देखे वाला में एक और मास्टर बेडरूम है हेलो